हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो देखिए, आज 1 जनवरी है और सुबह के 9 बज गए हैं और हमारे सीता जी, ये इसको क्या बोलते हैं, पकौड़ी बना चुके हैं। पत्तगोभी का पकौड़ी है और ये अभी मटर निकाल रहे हैं और भी आइटम बनाने वाले हैं। आप देख सकते हैं, और ये देखिए, ये फूल गोभी का पकौड़ी है। और ये पत्ता गोभी का है, इसमें मिक्स किया हुआ है बहुत सारा। ये देखिए, मटर का भी पकौड़ी बनेगा अभी। तो जितने लोग हमारे वीडियो को देख रहे हैं, कृपया आप लोग से, आप सभी दर्शकों को हैप्पी न्यू ईयर। और हमारे जितने भी चैनल के सब्सक्राइबर हैं, वो आप लोगों को लो बेटा, को भी करा, अच्छा लगेगा वो। कल जो खाया था वो नहीं है, अलग है। आप देख सकते हैं, फूलगोभी का है, ये फूलगोभी का कटिंग है। देखिए कितना मज़ेदार बना हुआ है, ये देखिए इस तरह से। अब इसे खा करके देखते हैं कैसा है टेस्ट। दोस्तों एक बार ज़रूर आप अपने घर पे बनाइएगा। काफ़ी अच्छा है ये देखिए, सबसे बड़ी बात ये है कि हम आपको आज एक चीज़ और दिखाने वाला हूँ, जो हमारी फैमिली का छोलनी जिसको बोलते हैं चम्मच, मतलब चलाने वाला, वो ये देखिए। तो इतना कितना छोटा है, बड़ा है। और इस तरह से इससे काम करती है। शर्मा रही है। अभी मटर को क्या करोगी सीता? पकौड़े बनाएंगे। तो इसमें ऐसे ही कि और कुछ करोगी इसमें? ऑलरेडी सब डाला हुआ है, सिर्फ मटर डाल के मिक्स करके बनाना है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं, ऑलरेडी इसमें सब कुछ डाला हुआ है, सिर्फ मटर डालना था। और मटर अभी डाल चुकी है और बस इसको दो बार चला के, और जो पैन है मतलब कढ़ाई है वो कढ़ाई में डालेगी और फिर फर्स्ट क्लास पकौड़ी बन के तैयार होगा, देख सकते हैं। और इंडक्शन का चूल्हे पे बनता है जो काफ़ी टेस्टी होता है, ना धुएं का टेंशन ना गैस का टेंशन। जितना आपको हीट चाहिए उतना ही उसके हिसाब से आप कर सकते हैं। अभी 400 चाहिए तो 400 और 600 चाहिए तो 600 हो जाएगा, 600 नहीं सॉरी 800, माफ़ कीजिएगा। और ये 400 हो गया और 200 भी हो जाएगा, और कम चाहिए तो 200 भी हो जाएगा। तो इंडक्शन का यही फ़ायदा है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं, और अभी मटर पनीर बना चुकी है जो कि काफ़ी टेस्टी है, लेकिन हो गया है आधा घंटा समथिंग हो गया है।
तो दोस्तों ये हम अपने किचन का वो आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए अभी तेल से बाहर आ चुका है, अभी तो आप देख रहे हैं जो अभी देखिए मटर का बारी है और मटर का वो बनेगा पकौड़ी। तो दोस्तों एक बार अपने घर पे जब आप कभी भी फ्री होते हो तो मटर का पकौड़ी ज़रूर बनाइएगा और टेस्ट कीजिएगा कि कैसा है। जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हो हरा चना का बनता है, इसी मटर वाला है। हरा चना का भी बनता है क्या? अच्छा तो दोस्तों आप हरा चना का भी बनता है अपने घर पे ट्राई कीजिएगा एक बार, हरा चना का भी बनाइएगा और मटर का भी बनाइएगा पकौड़ी। फिर मुझे कमेंट करके हमारे वीडियो में ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा। अभी इनको भी सुबह सुबह है ना, इसलिए भूख लग रहा है, नाश्ता नहीं किए हैं अभी तक। तो नाश्ता भी कर रहे हैं इस तरह से, देखिए वेरी गुड। अच्छा अभी बेलन का क्या काम है, तुम बेलन क्यों रखी है इधर? पूड़ी बनाई थी ना बाबू के लिए। हाँ तो दोस्तों अभी बेलन साथ में रखिए, लेकिन बेलन का कोई काम नहीं है, आप ऐसा ना समझें कि बेलन का भी काम होता है पकौड़ी बनाने में। हाँ पिटाई में बेलन। तो आप देख सकते हैं बेलन का कोई काम नहीं है, हस्बैंड अगर तंग करे तो बेलन लगा सकते हैं। ये देखिए क्या बोल रही है दोस्तों, आप लोग बेलन को साइड ही रखें क्योंकि इसकी हस्बैंड तंग करेगा तो बेलन का जरूरत पड़ेगा, क्योंकि इसकी प्रक्रिया कुछ और भी है। इस कारण से बेलन को दूर ही रखें तो अच्छा है आपके लाइफ में। और आज 1 जनवरी है इस कारण से। ये देखिए ये भी पकौड़ी भी खा रही है और बहुत मज़े में खा रही है, और आप देख सकते हैं टेस्टी है क्योंकि ये खुद बना रही है इसलिए टेस्टी बोल रही है दोस्तों। और आप लोग कमेंट करके बताइए ज़रूर कि टेस्टी है या नहीं है। तो खाएंगे तब ना पता चलेगा। कोई बात नहीं, देख के वो पता कर लेंगे कि कैसा टेस्टी है या नहीं। तो दोस्तों आप प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा अगर आपको अच्छा लगा हो तो, और इसके बारे में जानकारी आपको हासिल हुआ हो तो प्लीज़ एक लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को। अगर आप हमारे वीडियो पे नए हो, हमारे चैनल पे नहीं हो तो हमारे वीडियो को जरूर सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।